जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत पोस्तु नगर के पास यादव क्लब में ताश खेल रहे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा थाने का घेराव कर जमकर बवाल काटा है। घटना देर रात की है। स्थानीय लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कीताडीह क्षेत्र में जुआ चल रहा है, जहां सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग पार्टी उक्त स्थान पर पहुंची और ताश खेल रहे लोगों को धर दबोचा। उसी दौरान कुछ लोग भागने में सफल रहे और कुछ लोगों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए बस्ती वालों के साथ मिलकर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ झड़प शुरू कर दी, जहां किसी तरह से पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां ग्रामीणों द्वारा थाना पर हमला बोल दिया गया। महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में हाथों में पत्थर लेकर थाने में पथराव करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पूरे थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। QRT के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ को तितर बितर किया। स्वदेश वाणी के लिए जमशेदपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला था, क्या कुछ चल रहा है? ये एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा भी और हमारा माननीय DGP सर के द्वारा भी जो रिसेंटली घटनाएं होती थी, इसी के लिए एक तो रिव्यू मीटिंग में काफ़ी हम लोगों को सख्त निर्देश मिला है कि कहीं भी कोई जुआ खेलना या कोई मतलब कि गलत काम करना, नशा या दारू चोरी करना, उन लोगों के ऊपर अच्छी तरह कार्रवाई करने के लिए हम लोग का आदेश था। इस आदेश में हम लोग काम कर रहे थे तो आज एक जगह से थाना प्रभारी को सूचना मिला किताड़ी में कि लोग बैठ के वहाँ पर ताश खेल रहे हैं। तो जो पेट्रोलिंग पार्टी गई वहाँ पर, पेट्रोलिंग पार्टी को देख के 2-3 लोग इधर उधर भाग गए थे और जो भी वहाँ पर लोग उपस्थित थे उन लोग से पूछा गया था। उन लोग के द्वारा बताया भी गया कि हम लोग ताश खेलते हैं और उनसे जो है पत्ता भी रिकवरी हुआ था और पैसा भी रिकवरी हुआ था। उसके अलावा उनको बोला भी गया था कि पूछताछ में आप सहयोग करिए और आप थाना आइए, अब हम लोग और पूछताछ करेंगे। लेकिन उन्हीं के साथ उसी समय मैं पुलिस के साथ उलझ गया और पुलिस को गाली गलौज करने लगे और धमकी भी देने लगे कि भर्ती उतार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो फिर वहाँ से इन लोग को लेकर आने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ भी लोग उनके पुलिस ऑफिसर के साथ धक्का धुक्की किए। फिर जब थाना आने के बाद भी थाना प्रभारी दूसरी जगह पर थे, आके पूछताछ करके हम लोगों को खबर देने के लिए बताया गया था। तो पूछताछ करने से पहले ही जो है पूरा गांव उठते यहाँ पर आके और थाना के सामने हो हल्ला करने लगा और पत्थर वगैरह लेके आए थे कि ये करने के लिए, तीन लोगों को छोड़ देने के लिए। लेकिन उसमें जो है टोटल 6 आदमी हैं। अभी हम लोग कुछ प्रारंभिक पूछताछ वगैरह किए हैं, कुछ लोग उसमें ताश खेलने में शामिल है, अक्सर भी किए हैं, और कुछ लोग जो ताश खेलने वाले को पुलिस लेके आना था उस लोगों को पुलिस के साथ आता पे किया मना किया, जो सरकारी काम में बाधा डाल। और इसमें कुछ और भी लोग हैं कि बताया जा रहा है कि हम लोग जो है सब्जी लेने के लिए गए थे और पुलिस हम लोग को भी लेके आया है, उसमें हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और कुछ CCTV फुटेज वगैरह भी हम लोग के पास है, जाँच करके फिर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये जो 6 लोग अभी है फिलहाल थाने में, इनके ऊपर क्या सुरक्षा मिलेगी? इनके ऊपर वही है कि जो जुआ खेलने का अधिनियम में खांड दर्ज होगी, प्लस उसके बाद इसमें जो पुलिस के साथ काम करने के लिए, पुलिस का जो कार्रवाई है उससे वंचित रहने के लिए, उनके साथ आतापाई करने के लिए, उनके साथ ताली गलौज और धमकी देने के लिए, उन लोग के ऊपर सरकारी काम वाला उस वाला में धारा लग सकता है। तो आखिर किसके ऊपर क्या धारा लगेगा, तो हम लोग जो सारी हम लोग को जो मोबाइल का रिकॉर्डिंग वगैरह है पुलिस ऑफिसर के पास भी है और कुछ पब्लिक के पास भी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।